in the year 2008, when I was learning the graphology, there I wanted to take this graphology as a professional thing. So I went to my master and I spoke about this feeling of doing something in the field of graphology and having the knowledge of it. Okay. So what my master said, do you have something of your own? क्या तुम्हारे खुद के पास खुद का कुछ है? Do you have some knowledge of your own? तो वहां पे उस moment पे when he asked me that, do you have, I thought I wish and I should have my own knowledge. कुछ तो भी ऐसा होना चाहिए जो मैंने खुद ने research किया हो, ऐसा कुछ तो भी ऐसा होना चाहिए जिसका निर्माण करता मैं हूं. तो आई वेंट बैक एंड आई स्टार्टेड डूइंग द रिसर्च. मैंने काफी सारी फील्ड पे रिसर्च करना चालू किया कि मुझको कुछ R&D की भी कुछ मिले, कुछ मिले और यू नो मेरा खुद का कुछ हो जाए. और एक दिन ऐसे ही जब मैं मेडिटेशन कर रहा था, आई वॉज जस्ट इन द बालकनी, आई वॉज सिटिंग एंड आई वॉज डूइंग द मेडिटेशन एंड ऑल ऑफ अ सडन दिस थॉट केम टू माई माइंड दैट रिस्ट वॉच एंड योर नेचर हैज सम वैल्यू. This thought came into my mind that a wristwatch might influence the way you think. And it was absurd thought. Matlab mujhko kafi odd laga ki kya ye sach mein ho sakta hai. Immediately I went inside and aur tab main 5-6 logon ke sath rehta tha. We had a 1-3 BHK apartment. So wahan pe I did the analysis of all other people. Matlab jitne bhi log the sabka maine analysis kiya. Aur surprisingly वो एनालिसिस करेक्ट था. अब ये 2008 और फिर वो 2008 और 2009 के बीच में मैं ऐसे ही इक्का दुक्का एनालिसिस करता था, लोगों को अवेयर करता था कि रिस्टवॉच एनालिसिस कुछ है, उसका कुछ फायदा है, कुछ ऐसा होता है. और आई वाज जस्ट यूज्ड टू इन्फॉर्म पीपल, स्पेशली द माय फ्रेंड्स एंड कलीग्स फ्रॉम द ग्राफोलॉजी टीम एज वेल. इन द 2009 आई बिकेम अ सीनियर ग्राफोलॉजिस्ट एंड आई स्टार्टेड टीचिंग पीपल. आई स्टार्टेड doing the mentorship to the graphology students, and there I took some batch of graphologists to one place where as a group we did the analysis. You know, ek function tha, function mein hum log gaye, wahan pe analysis kiya, to uska travel ka zimmedari, wahan pe khane pine ka zimmedari sab meri taraf tha. I did manage everything, and while coming back we all were sitting in big sumo mein baithe the, aur wahan pe ek lady jo hai wo mere baaju mein baithi thi. Usne pucha ki Sudhir, मेरा ये रिस्ट वॉच है और ये रिस्ट वॉच मैं सिर्फ और सिर्फ जब पति के साथ में रहती हूँ तभी पहनती हूँ. तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फिर पति के साथ आप कब कब जाते हो? तो शी सेड कि मेरे पति आर्मी में हैं और आर्मी में जितने भी ये फंक्शंस होते हैं, जितने भी आर्मी के फंक्शन होते हैं, उस फंक्शंस में जाते समय ये मैं पहनती हूँ. और उस बात के ऊपर मैंने फिर उनका एनालिसिस किया और वो एनालिसिस टू द पॉइंट करेक्ट था कि ऐसे ही उनका साथ उनके साथ होता है. सो दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट गिव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, ओके दिस थिंग वर्क्स, रिस्ट वॉच एनालिसिस वर्क्स अ लॉट. और पर क्या वो करेज नहीं था, वो हिम्मत नहीं था इसको एज अ प्रोफेशनल या इसको एज अ बड़ा चीज करके समझाना, दैट वॉज नॉट आई हैड इन माई माइंड और इन माई कंट्रोल. तो वहां पे एक 6-7 साल का समय चला गया. और इन द ईयर 2016 व्हेन आई अगेन वांटेड टू कम बैक टू द ग्राफोलॉजी, आई वांटेड टू टीच ग्राफोलॉजी देयर, हाउ टू क्रिएट अ रिपल्स, हाउ टू मेक वर्ल्ड नो दैट आई एम अ ग्राफोलॉजिस्ट, हाउ टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स, दैट वाज अ बिग क्वेश्चन एट दैट टाइम. सो वन ऑफ माय फ्रेंड हु वाज अ वेरी गुड ग्राफोलॉजिस्ट, ही सजेस्टेड दैट टीच समथिंग व्हिच अदर पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ, अदर पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट. So in the year 2016, we launched our first ever wristwatch analysis seminar, and he took the responsibility of arranging 10 people. उसने बोला मैं 10 लोगों का इंतजाम मैं कर लूँगा, बाकी तुम कर लेना. So that gave me a lot of confidence कि अरे चलो 10 लोगों का जो इंतजाम है ये लोग कर रहे हैं और बचे हुए जो है 10 लोग मैं अरेंज कर लूँगा. तो we started, एक महीने के बाद से वेबिनार था और मतलब वेबिनार नहीं था, इट वाज अ सेमिनार, प्रॉपर फिजिकल सेमिनार. और वो दिन आ गया जिस दिन हमने वो सेमिनार लेना था. आई कॉल्ड हिम एंड आई सेड हाउ मेनी हैव यू गॉट, कितने लोग जमा हो गए.
उसका आंसर था जीरो। उसने बोला मैं और मेरी वाइफ आ रहे, तुम तुम्हारा देखो अभी क्या होगा। एंड फॉर्चुनेटली बिकॉज ही आस्क्ड मी टू अरेंज पीपल, आई हैड ऑल्सो मैनेज 10 पीपल। तो फिर ऐसे 12 लोग उस वेबिनार में बैठे, और यहाँ पे एक ZK's है, मतलब एक जहीर खान का होटल है, उसके ऊपर एक ऑफिस है, वहाँ पे हमने वो वेबिनार लिया, एक हॉल है वहाँ पे हमने वेबिनार लिया, एंड पीपल लव्ड इट। एंड इट वाज ऑफ आई थिंक 4 आवर्स ऑफ वेबिनार, और आई हैड नो नॉलेज कि मेरा, मैं 4 घंटा एक टॉपिक के ऊपर, रिस्ट वॉच जो इतनी छोटी सी चीज़ उसके ऊपर बोल पाऊंगा। तो देट वॉज अ फर्स्ट एवर सेमिनार रिगार्डिंग रिस्ट वॉच एनालिसिस। लोगों को बहुत मजा आया, काफ़ी लोगों ने अच्छे फीडबैक दिए, और मेरे पास उस फीडबैक का हमने मतलब वीडियो भी बनाया, एंड दैट वॉज इट। अगेन आई वॉज अफ्रेड टू टीच दिस सब्जेक्ट एज अ फुल टाइम सब्जेक्ट, बिकॉज ग्राफोलॉजी और रिस्ट वॉच एनालिसिस सुनने में थोड़ा सा ऑड लगता है। तो मैं सिखाता नहीं था, मैं डरता था कि मैं सिखाऊंगा तो लोग मुझको रिस्ट वॉच एनालिस्ट ना के जानेंगे, फिर मैं ग्राफोलॉजिस्ट नहीं बन पाऊंगा, मैं लोगों का काम नहीं कर पाऊंगा। तो वो ब्रांड नेम से मैं डरता था कि ये ब्रांड नेम कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, तो मैंने वो सिखाया नहीं। और इन द ईयर 2020 वी वेंट टू ए वन एग्जीबिशन, एग्जीबिशन का नाम था एस्ट्रोवर्ल्ड, और उस एग्जीबिशन में उनको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है कि रिस्ट वॉच एनालिसिस क्या है उसके बारे में बात कीजिए, अलग है, डिफरेंट है। तो एस्ट्रो वर्ल्ड में मैंने पहली बार रिस्ट वॉच एनालिसिस के बारे में बात की, और पीपल वी आर सुपर डुपर हैप्पी अबाउट इट। काफी लोगों ने इंक्वायरी किया, तो दैट गेव मी करेज टू लॉन्च फर्स्ट एवर वीडियो वेबिनार, नो वर्चुअल वेबिनार फॉर रिस्ट वॉच एनालिसिस, एंड दैट वेंट वेल, लोगों को मजा आया। फिर भी ये कॉन्फिडेंस नहीं था मुझको कि इसको हम लोग एक प्रीमियम प्रोडक्ट या प्रीमियम कोर्स करके सिखा पाएंगे। लेकिन उस दौरान एक लेडी थी फ्रॉम लेबनन, तो शी अप्रोच्ड मी एंड शी आस्क्ड मी कैन यू टीच दिस साइंस वन ऑन वन विथ मी। आई सेड आई डोंट माइंड, वन ऑन वन सिखा दूंगा मैं। तो शी सेड यू टीच मी फॉर 10 डेज, 2 घंटा 2 आवर्स एवरी डे 10 डेज के लिए आप सिखाओ। मैं परेशान किया, 10-20 घंटे सिखाने का मतलब, Do I have that much of content? तो initially I said कि I will say something very big amount. मैं बहुत बड़ा big amount बोल दूंगा तो ये वैसे ही ना बोल देगी। तो मैंने उसको बोला कि मैं आपको ना एक $2500 charge करूंगा और आपको सिखा दूंगा $2500। तो उधर से उसका reply है, ये तो बहुत ज़्यादा है। बोला चलो अपना काम हो गया, अभी she will say no and that's it. But she proposed counter offer with $1200 of 20 hours. $60 per hour. So I said, चलो ठीक है, no issue. I will say yes. इस बीच अगर अपने पास content नहीं रहेगा तो हम लोग वो बंद कर देंगे. And the class went for 30 hours non-stop. 30 घंटा मैंने वन ऑन वन उस लेडी को सिखाया रिस्ट वॉच एनालिसिस. उसके पास जो घड़िया थी वो 3 करोड़ 15 करोड़ 25 लाख ऐसी जो घड़िया रहती, बहुत महंगी महंगी घड़िया, उन घड़ियों का हमने एनालिसिस किया, यूनिक, जो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी ऐसी घड़ियां उन्होंने दी। और वहां पे जो उन्होंने प्रश्न पूछे, काउंटर प्रश्न, ऐसे प्रश्न वैसे प्रश्न, वहां से ये साइंस इवॉल्व हो गया बहुत ज्यादा। देन आई रियलाइज द पोटेंशियल। और जब हमने बड़े लोगों का एनालिसिस किया, बड़ी घड़ियों का एनालिसिस किया, वहां पे हमने क्या देखा कि ये लोग उस तरह की तकलीफें, उस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे थे जो उनकी घड़ी बता रही थी। और आज क्या आप सब लोग नहाए नहीं किया, मतलब लॉट ऑफ यू आर नॉट हैविंग द वीडियो ऑन, सो ओके ग्रेट। कुछ लोगों के घर में पानी आ गया, दिस इज अमेजिंग, ठीक है। तो फिर वहां पे मुझको बहुत कॉन्फिडेंस है, एंड देन वी स्टार्टेड टीचिंग इट एज अ फुल फ्लेज कोर्स, वेयर वी स्टार्टेड टीचिंग इट एज अ थेरेप्यूटिक साइंस। मतलब अब हम लोगों ने इस साइंस को इतना डेवलप कर लिया है कि ये एज अ थेरेपी भी आप यूज कर सकते। इस बीच में मेरे एक दोस्त थे सुनील करवे, तो उन्होंने मुझको कॉल किया, बोला कि क्या है ये, तो उन्होंने भी सीखा रिस्ट वॉच एनालिसिस। फिर मैंने उनको सजेशन दिया कि एक पर्टिकुलर तरह का घड़ी आप अपने घर में लगाओ, तो उन्होंने वो घड़ी अपने घर में यूज किया, तो उनके पास भी कस्टमर्स की संख्या बहुत बढ़ गई। फिर मैंने काफी अलग अलग जगहों पर इस तरह के जो साइंसेस है, मतलब थेरेपीज हमने यूज की। स्पेशली देर इज वन वेरी वेरी सक्सेसफुल केस जहाँ पे 7 लोगों का वीजा कैंसिल हो रहा था विद इन द यूएस,
और वहाँ पे हमारी एक स्टूडेंट है, उन्होंने फिर उन सबको एक पर्टिकुलर घड़ी पहनने को लगाई, तो उनका वीज़ा जो कैंसिल होने लगा था वो बच गया, बाकी सबका, उनके आजू बाजू बाकी जितने भी इंडियन लोग थे सबका वीज़ा कैंसिल हो गया, उनका उनका बच गया। सो दैट इज़ द अमेजिंग टेस्टिमोनियल। अभी ऑनलाइन भी हमारा ऑलरेडी वो टेस्टिमोनियल। तो ऐसी जो चीज़ें हुई इसने मुझको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया, और इसलिए हम इस साइंस को एज अ थेरेपेटिक साइंस, रिस्ट वॉच एनालिसिस एंड थेरेपी नाम से सिखाते हैं। ये 10 दिन का कोर्स है, उस 10 दिन में आप घड़ी के बारे में कई सारी चीज़ें, जैसे बेल्ट कैसा होना चाहिए, आपकी जो ये है ना कांटे कैसे होने चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, शेप कैसा होना चाहिए, और ऐसा घड़ी पहनने के बाद क्या होता है आपके साथ, ये भी हम इसमें सिखाते और बताते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज द हिस्ट्री। नाउ दिस पर्टिकुलर सेशन विच इज हैपनिंग राइट नाउ ओनली फॉर आवर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट,